अस्सलाम वालेकुम नाज़नी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वह कच्चे कीमे की टिक्कियाँ, और ये कैसे बनेगी पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बना रही हूँ कीमे की टिक्कियाँ। ये ना एक टमाटर ना मैं ना बारीक बारीक काट के इसमें डाल रही हूँ। ये देखें बहुत मज़े की बनती हैं, आप ट्राई करें तो अच्छी लगती हैं ये टिक्कियाँ। बनाएंगी ना आप तो आपको पसंद आएंगी। अच्छा अच्छा तो सिंपल, पहले हम लोगों ने जो कीमा लिया है, ये ना मैंने ना मसाले आधी चम्मच मिर्च, अनारदाना, सूखा धनिया मिकदार आप इनकी आधी आधी चम्मच है, सब चीज़ें, सूखा धनिया, ज़ीरा, सूखा धनिया, दातरी मिर्च, नमक मिर्च, अनारदाना। ठीक है, मतलब ये सारे जो मसाला जात हम लोगों ने तकरीबन हाफ हाफ टेबल स्पून लिए हैं। अच्छा जी, ये धनिया, हरी मिर्च, प्याज बारीक बारीक काट के ना आमलेट अंडे की तरह, मतलब बहुत ही सिंपल से हम लोगों ने जो है इसको अच्छा काट लिया। धनिया, हरी मिर्च वगैरह, और जो हमारे मसाले हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया, मिर्च, नमक, दालचीनी, मिर्च, ये सूखा सा ना थोड़ा सा ना बेसन डालना है इसमें, बेसन। ठीक है, मतलब हम लोगों ने इस कीमे के अंदर ही कीमा तकरीबन हमारा कितना होगा मिकदार इसकी, तकरीबन आधा किलो, तकरीबन हाफ के जी हम लोगों ने जो कीमा है वो लिया है। उसके अंदर हम लोगों ने जो सूखा धनिया, अनारदाना, नमक मिर्च, दादरी मिर्च, और कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप लोग से कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें कितना अच्छा इसको मिक्स कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ही अच्छा दिखने में लग रहा है। यहाँ पर कीमे को हम लोगों ने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, टमाटर भी डाला है, हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया डाला है, प्याज डाला है, ये सब कुछ अच्छी तरह हम लोगों ने मिक्स कर लिया। इसके अंदर हम लोगों ने बेसन भी डाला है। तो इसकी मिक्सिंग के बाद अब हम इसको मामा फ्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पर जो घी है वगैरह होने के लिए रख दिया है। तो ये जो सब हमारा कीमा है मज़ेदार सा हम लोगों ने मिक्स कर लिया, इसको हम टिक्कियाँ बनाकर फ्राई करते हैं, और आप लोगों ने देखना है कि ये टिक्कियाँ किस तरह बनेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने घी गर्म कर लिया है, और आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल हम लोगों ने पतली सी जो टिक्की है उसको हम लोगों ने डाला है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बड़े साइज़ की या मोटी हम लोगों ने टिक्की नहीं डाली, क्योंकि जितनी पतली होगी उतनी ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो हमारे कच्चे कीमे की टिक्की है डाल दी है। तो मसाले इसके बहुत ही मज़ेदार से हैं, क्योंकि हम लोगों ने सूखा धनिया भी डाला है तो खट्टा मीठा फ्लेवर भी हो जाएगा, अनारदाना भी डाला है, अनारदाना से खट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सूखा धनिया भी डाला है, उससे खुशबू उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़ीरा है, हरी मिर्च, दादरी मिर्च है, और टमाटर है, टमाटर से भी खट्टा सा हो जाएगा ये। और आप तो देख सकते हैं मतलब इसकी जो शक्ल है वो नज़र भी आ रही है टमाटर की। इस तरह हम लोगों ने खाई जो हमारी टिक्कियाँ हैं उनको वन बाय वन हम लोगों ने डाल लेना है। और क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, कीमा जो होता है वो कच्चा होता है, इसको हल्की सी धीमी सी आंच पर हम लोगों ने सब्र से और तहमल के साथ पकने के लिए रख देना है। और फिर ये बहुत ही मज़ेदार से जो हमारी टिक्कियाँ हैं तैयार हो जाएंगी। इसी तरह हम लोगों ने वन बाय वन डाल देना है। और मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ है वो बेसन हम लोगों ने डाला है, उससे फिर थोड़ी थोड़ी सी वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएगी और बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाएगी, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और बेसन से जो उसकी है वो बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो मतलब जो मेन ट्रिक होगी इसकी बाइंडिंग की वो और बेसन के हवाले से होगी, कि कुछ लोगों को मतलब होती है कि टिक्कियाँ टूट जाती हैं, वो पलटते हैं तो टूट जाती है, मतलब बाइंडिंग सही नहीं रहती। तो उनको ये आज टिप मिल गई है कि आप लोग किस तरह इसको बना सकते हैं, और ये जो टूटने का आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा, कि आप टूटेंगी नहीं इंशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग इसको ट्राई करें। तो यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनने में, कीमा कच्चा है, तो आपको दोबारा दिखाते हैं। तो टिक्कियाँ उनको हम पलट रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है, हम लोग इनको पलट कर आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर, बहुत ही शानदार आ गया इनका। ये देखिए, और आवाज़ भी कितनी अच्छी आ रही है, और खुशबू भी इसकी आना शुरू हो गई है बनने की। ये देखिए माशाल्लाह, इतना वन बाय वन हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद इनको पलटना है। ये देखिए माशाल्लाह कलर आप लोग व्यूवर्स देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया इनका। इसी
तरह हम लोग उनको वन बाय वन बना लेंगे, पलट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कीमा कच्चा है और थोड़ा इसको टाइम लगने के बाद हम पलटेंगे ताकि ये टूटे ना। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, ये मैंने और डाल दिए, क्योंकि ये देखिए कितना प्यारा कलर जो सी बनती जा रही है उनको हम लोगों ने यहाँ साइड पे रख दिया है और जो बाकी हम लोगों ने उनको डाले कलर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आ गए हैं। आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेंगी ये टिक्कियाँ, हमारी घर की रेसिपी है, समझ नहीं है, हम तो ऐसे ही घर में ना टिक्कियाँ बनाते हैं ये, ठीक है, मतलब इतनी अच्छी ये माशाल्लाह बनती हैं कि आप जो बाजार की टिक्कियाँ उनको भी भूल जाएंगे और आप लोग प्रेफर करेंगे हम लोग घर में ही बनाएं। इसे बेसन की वजह से ना ये ना जुड़ भी जाती है ना साथ, मतलब बहुत अच्छी आपको ट्रिक मिलेगी कि बेसन डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग बेसन को ऐड करके भी जो टिक्कियाँ हैं वो बनाएं तो इंशाल्लाह वो टूटेंगी भी नहीं। और आप लोगों के सामने हम लोगों ने आपको डेमो भी दे दिया कि आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है और खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पर। और आप लोग इसको घर पर बनाए बजाय इसके बाज़ार से आप लोग लें, क्योंकि वो आपको पता ही क्या मतलब ऐसे भी आजकल थोड़ा सा केयर ही करना चाहिए बाजार के खानों के हवाले से, तो हाइजीनिक भी नहीं होता। आप लोग घर में बनाएं और ट्राई करें, हमें फीडबैक दें और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज सीख सकें। अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी कि सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम वो भी पूरी कर लेंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हो गया इसका, ये है कि ये बस अच्छी तरह पक गई है ना, कच्ची नहीं है ये, मतलब कच्चा कीमा नहीं है ये। ये देखिए ना कितना प्यारा कलर आ गया इसका, तो आप बना के ऐसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं जब कोई मेहमान आए या बच्चों का दिल करे ओके, वो आप बना ओके, के ना मतलब ठीक है। आप मम्मा ने आपको एडवाइस भी दे दी कि आपको प्रिजर्व भी कर सकते हैं और हाफ कुक करके, मतलब ये फुल हाफ कुक करके ठीक हो गया। तो मतलब जैसे हम लोग रेडीमेड जो सी चीज़ें होती हैं नगेट्स वगैरह उस सारे हम लेकर आते कहने से कि वो भी मतलब यही वाला कि वो होते हैं उनको दोबारा हम लोग को फ्राई करना पड़ता है। इसी तरह आप लोग इनको हाफ कुक करके रख लें तो बाद में इनको बनाए तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम की बचत भी हो जाएगी और एक आप लोगों की जो मेन्यू लिस्ट है उसमें एक डिश का इजाफा भी हो जाएगा। ये देखना माशाल्लाह सारी सीख गई हैं, ये कलर कितना प्यारा आ रहा है, कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और दिखने में भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है। सूखा धनिया और धनिया उसकी वजह से मतलब सूखा धनिया की खुशबू बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी दिख रही है इसकी। हाँ जी अब मैं ना निकाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है, मतलब ये बन चुकी है। हाँ जी और हम लोग अब इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए हर टिक्की का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है और माशाल्लाह जो सबसे अच्छी बात है कि मतलब कोई भी टिक्की हमारी टूटी नहीं है, ख़राब नहीं हुई और जो उसकी मेन ट्रिक है वो आपको बता दी गई। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको आइडिया होगा कि वो ट्रिक कौन सी है। इसमें हरी मिर्चें भी हैं, टमाटर भी है, धनिया भी है, प्याज भी है, जैसे हम ना आमलेट अंडे में डालते हैं वैसे प्याज भी इसमें डाला मैंने और हम लोगों ने वो बारीक बारीक मतलब इसको हाँ काटा है, कोई मोटा नहीं हम लोगों ने काटा। अब मुँह में ना जब ये खाएंगे ना जायका आएगा इसका, ठीक हो गया। तो बहुत ज़बरदस्ती बन गई, सबसे अच्छी बात कि आपको ये हम लोगों ने ट्रिक भी दे दी है इसकी बाइंडिंग के हवाले से और आपको एडवाइस भी दे दी है कि अगर कोई गेस्ट आए तो आप उसको ये खर्च कर सकते हैं, हाथ को करके आप उसको पहले प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको आप निकाल कर इन्जॉय कर सकते हैं बाद में। तो ये बन चुकी है, अब इनको हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गई है और केचप के साथ इसे खाएं और इन्जॉय करें। दही की चटनी के साथ भी अच्छी लगती है, दही की चटनी के साथ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। हाँ जी जैसे आपका दिल चाहे। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती ये जौनसी हमारी टिक्कियाँ हैं कच्चे कीमे की तैयार हो गई हैं और कलर बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे बारबेक्यू का हम लोगों ने बारबेक्यू किया वो वाला बिल्कुल इसका जो कलर है वो आ गया है, धुआं इसमें से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और माशाल्लाह ये खुशबूदार जायकेदार बन चुकी हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएँ कि जौनसी आपको हमारी रेसिपी है वो पसंद आई, वो कैसी लगी, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर हम दोबारा आपके साथ मिलते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा और हम आपके सारे फैमिली शुक्रिया अदा करते हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह हम आपको जितनी रेसिपी सिखाते रहेंगे क्योंकि ये चैनल आप लोगों का ही है और आप लोगों ने जो कुछ भी सीखना है आप लोग यहाँ पर उसको कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग आपको वो भी सिखा देंगे बनाना। और इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।